तो आपका जो बुक है ना उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करो है। लेफ्ट साइड में लिखो फुल फ्रेश पेज लेना, क्योंकि ये थोड़ा लंबा है, तो पूरा फ्रेश पेज लेना। रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड यहां पे लिखना रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अभी इसका जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टर्स को जब अलग अलग कनेक्ट पिच पे करते लिखना हो है। तो यहाँ पे सारे जो रेजिस्टर्स रहेंगे ये एक लाइन में कनेक्टेड रहेंगे। इसका डायग्राम थोड़ा बड़ा बना लेना। यहाँ पे आप बैटरी कनेक्ट करोगे, यहां पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज ए जो है। चलो ये सब मैं बाद में बताता हूं, फिर जस्ट डायग्राम बना के रखो। यहां पे ये रहेगा बी वन, ये रहेगा बी टू, एंड ये रहेगा बी थ्री। अभी ये सब क्या है, हम लोग जब इलेक्ट्रिक सिंबल्स करेंगे तभी इसका डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे ये आर वन, ये आर टू और ये आर थ्री लिखना। ये वी वन वी टू और वी थ्री है, वोल्टेज है बेसिकली, करंट जाएगा इसमें आई। ओके नेक्स्ट है ये वाला सर्किट। यहाँ पे जो तीनों रेजिस्टर्स रहेंगे ये क्या रहने वाले हैं, पैरेलल रहने वाले। एक दूसरे से बस इसका एक सेकंड डायग्राम। यहाँ पे दिस एक करंट ये आएगा ए वन, यहाँ पे रेजिस्टर, यहाँ पे आएगा ए टू, इधर आएगा दूसरा रेजिस्टर एंड इधर आएगा ए थ्री, ये रहने वाला है थर्ड रेजिस्टर, ये रहने वाला है आर वन, ये रहेगा आर टू, ये रहने वाला आर थ्री। इसका जो एंड है इसके अक्रॉस आप कनेक्ट करोगे वोल्ट मीटर। एंड यहां पे नीचे कनेक्ट करोगे बैटरी। करंट का डायरेक्शन यहां पे डाटा पहले बना लेना। ये जो ए वन ए टू ए थ्री ये सब आगे एक्सप्लेन करेंगे, जस्ट अभी के लिए बस ये डायग्राम बना। अब फर्स्ट वाले सर्किट में यहां पे आप नोटिस कर रहे हो सेम अमाउंट ऑफ करंट क्या होएगा, हर एक रेजिस्टर में फ्लो होएगा। सेम करंट क्या होएगा, तीनों रेजिस्टर में फ्लो होएगा। क्यों? क्योंकि वो एक ही लाइन में है। लेकिन ये पॉइंट पे, ये पॉइंट ठीक है, ये वाले में रेजिस्टर्स इन पैरेलल में करंट ये वाले पॉइंट पे पहुंचने का क्या होएगा, करंट तीन पार्ट में क्या होने वाला है, डिवाइड हो जाएगा ना, डिवाइड। ठीक है, ये देखो यहां पे करंट क्या आ रहा है आई, जैसे ये क्या पहुंच गया, ये करंट पहुंच गया, सपोज से ये करंट इधर पहुंच गया ये पॉइंट पे, यहां पे पहुंचने क्या होएगा, करंट तीन पार्ट में डिवाइड होएगा। कुछ करंट ऊपर जाएगा, कुछ करंट यहां पे जाने वाला है, कुछ करंट नीचे जाएगा।
तो करंट तीन पार्ट में डिवाइड होएगा। तो यहां पे आप क्या नोटिस कर रहे हो कि जो टोटल करंट आई है ये इक्वल टू क्या रहने वाला है, आई वन प्लस आई टू एंड ये क्या रहेगा प्लस आई थ्री। तीनों करंट यहां पे क्या होएगा डिवाइड, ये रहेगा आई वन, ये रहने वाला है आई टू, ये रहेगा आई थ्री। यहां पे करंट डिवाइड होएगा क्या सीरीज में? नहीं, नहीं। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, करंट इज सेम। यहां पे आप क्या नोटिस कर रहे हो, क्या डिवाइड हो रहा है यहां पे, वोल्टेज। वोल्टेज, तो टोटल वोल्टेज को आप कैसे लिखोगे, V इक्वल टू V1 प्लस V2, और इधर आएगा प्लस। तो इसका मतलब यहां पे क्या सेम रहेगा, पैरेलल में क्या सेम रहने वाला है, वोल्टेज। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा। अब नेक्स्ट, अब कैसे चालू करोगे डेरिवेशन को, सबसे पहले ओम्स लॉ यूज करोगे। ओम्स लॉ में क्या है, V इक्वल टू आएगा I इंटू आर, वैसे V1 इक्वल टू रहेगा I इंटू आर वन, V2 क्या आएगा I इंटू आर टू। क्यों I लिख रहे हम लोग, क्योंकि ये करंट क्या है सेम है, इसीलिए यहां पे क्या आएगा V3 इक्वल टू I इंटू आर थ्री आने वाला है। अब बस आपको क्या करना है, इसमें बस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। V के बदले क्या डालोगे यहां पे, V के बदले क्या लिखोगे, क्या लिखना चाहिए V के बदले, I इंटू आर लिखोगे। V1 के बदले क्या आएगा फिर, आई आर वन। V2 के बदले IR2, और इधर आएगा IR3। इन तीनों में क्या कॉमन है, I कॉमन है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, R1, R2 और R3 आएगा, यहां पे आएगा I इंटू आर। ये करंट और ये करंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होएगा। रेजिस्टेंस इन सीरीज ये इक्वल टू क्या रहने वाला है, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री रहेगा। अब यहां पे सबसे पहले चीज, अभी हमें क्या ढूंढना है, ओम्स लॉ यूज करना है। तो V इक्वल टू आई आर आता है, तो I इक्वल टू क्या होएगा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है। यहां पे वैसे ही I1 वोल्टेज तो सेम है, इसीलिए हम लोग इसको V लिखेंगे, रेजिस्टेंस डिफरेंट है इसके लिए इसको हम लोग R1 लिखेंगे। वैसे I2 ये इक्वल टू रहेगा V अपॉन R2, R I3 को भी वैसे ही लिखोगे। अब आप बताओ I के बदले क्या आएगा, क्या लिखोगे I के बदले, V अपॉन R, I1 के बदले V अपॉन R1, के बदले V अपॉन R2 एंड सो ऑन, आगे का वैसे आएगा। क्या कॉमन है इन दोनों में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या कॉमन है, वी कॉमन है, वी। तो वी को कॉमन, लाइन बनाओ तो कंफ्यूज, ब्रैकेट के अंदर आएगा वन अपॉन आर वन प्लस यहां पे आएगा वन अपॉन आर टू। वोल्टेज और वोल्टेज क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होएगा, वन अपॉन रेजिस्टेंस इन पैरेलल ये इक्वल टू क्या होएगा,
1 अपॉन आर वन प्लस एंड सो ऑन, आगे जितना रहेगा ये इसका पैरेलल का फॉर्म। सर हाँ जी, हाँ बोलो सर, ये साइकिल लिख है और नीचे लिख के उसके चलेगा ना? हाँ चलेगा सर। वो क्या लिखा है अपने, 1 RP? हाँ, 1/RP, RP मतलब रेजिस्टेंस इन पैरेलल, और RS मतलब इधर रेजिस्टेंस इन सीरीज। सर ये सो ऑन मतलब R3 है ना, V upon R3, V upon R4, जितना भी है। अभी इधर 3 है, मेरे को अभी बड़ा एक्सप्रेशन नहीं लिखना था करके इसको ले लिया। स्क्रीनशॉट ले लेना ये पार्ट का, नेक्स्ट पेज पे मैं ले रहा हूं। चलो इसके आगे का पार्ट कंटिन्यू कर रहा हूं। ओके, तो यहां पे इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो मैं आपको बताता हूं। हम लोग रेजिस्टेंस एंड सीरीज का प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं। यहां पे करंट इज सेम, तो यहां पे करंट क्या आएगा, करंट इज different and is equal to sum of individual currents, ये first part है। यहां पे कौन डिफरेंट है, वोल्टेज डिफरेंट है, तो लिखना वोल्टेज इज डिफरेंट एंड इज, चाहे तो ये भी समझने का मतलब क्या है, आई इक्वल टू यहां पे आई वन प्लस आई टू प्लस जितना ब्रांचेस रहेंगे उतना, एंड इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल voltages. You can simply write it as V equal to V1 plus V2, और यहाँ पे आएगा, या इस तरह voltage different है तो यहाँ पे क्या आएगा, voltage is same. Okay. यहाँ पे एक बहुत important point है, effective resistance. Effective resistance is greater than individual resistance. इसका क्या मतलब है कि जो RS रहेगा ये R1, R2 और R3 ये तीनों से क्या रहेगा, बड़ा रहने वाला है। इधर इसका उल्टा होएगा, effective resistance जो रहेगा पैरेलल में, ये इंडिविजुअल रेजिस्टर से क्या रहेगा, लेस रहेगा। इसका मतलब क्या रहेगा, आरपी जो रहेगा ये R1, R2 और जितना भी रेजिस्टेंस R3, इन तीनों से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। हम लोग रेजिस्टेंस को सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं, तो लिखना इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट। रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। अभी रेजिस्टेंस कहां पे बढ़ाते हैं, जैसे कि आयरन बॉक्स, या फिर आप बोल सकते हो वाटर हीटर, गीजर, यहाँ पे ये यूज किया जाता है। ओके, इट इज यूज्ड टू डिक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट।
ये कहाँ पे यूज किया जाता है? डोमेस्टिक अप्लायंसेस, मतलब आपका घर का जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है वहां पे, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस एंड डेकोरेटिव लाइट्स में यूज किया जाता है, डेकोरेटिव लाइट्स। तो ये सारे प्रॉपर्टीज हो गए, यहां तक पहले लिख लेना। ये टेबल बनाना। रेजिस्टेंस इन सीरीज, यहां पे करंट सेम, वोल्टेज डिफरेंट। आर एस का फॉर्मूला रहेगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। रेजिस्टेंस इन पैरेलल, यहां पे करंट क्या रहेगा? डिफरेंट। वोल्टेज क्या रहेगा? सेम। तो यहां पे जो आरपी आएगा, यहां पे देखो एक सिंपल फॉर्मूला है, वन अपॉन आरपी, ये इक्वल टू वन अपॉन आर वन वन अपॉन आर टू। इसको आप सिंपली कैसे लिख सकते हो मालूम है क्या? आरपी इक्वल टू आएगा आर टू इन टू आर वन अपॉन आर वन प्लस, ये इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जो आपको सम्स के वक्त काम आएगा। वो ऊपर क्या लिखा है आपने? आई डिफरेंट है, बी सेम है। सर वो नहीं, उसके नीचे का आपने जो ये किया ना, आरपी के ऊपर वन है, वन। सर इसमें भी बीच में मतलब डिफरेंट पार्ट्स में करना क्या क्या? पहले कैसे किया तो पेज को डिवाइड, आपको करना है आप कर सकते हो, जैसे इधर सब फॉर्मूलास आपको दे रहा हूं। यहाँ पे जो टोटल वोल्टेज रहेगा ये V1 प्लस V2 प्लस V3 रहेगा, यहाँ पे जो टोटल करंट रहेगा ये I1 प्लस I2, याद रखना किसके लिए है? पैरेलल के लिए है। तो सारा जो कंक्लूजन है एक साथ कंप्लीट होएगा यहाँ पे। ये लीव मत करना और कैमरा ऑन करके रखना, अटेंडेंस होएगा नहीं। चलो सबसे लास्ट में सर्किट सिंबल्स बना के रखना। सर एक मिनट दिखाओ ना, मैं सर्किट सिंबल हेडिंग डालना। तो सबसे फर्स्ट सिंबल है स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन को आप क्या बोलते हो? कंडक्टिंग वायर्स बोलते हो। स्ट्रेट लाइन को कंडक्टिंग वायर्स बोला जाता है। सेकेंड, इसको आप क्या बोलते हो? के। के क्या रहता है? इसको हम लोग की बोलते हैं, की, या फिर इसको स्विच बोलते हैं। थर्ड जो है ये तो आपको ऑलरेडी पता है, क्या बोलते हैं इसको? बैटरी या फिर सेल बोलते हैं। फोर्थ जो है इसको आप बोलते हो एमीटर। अब ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एमीटर मेजर क्या करता है? करंट मेजर करता है। करंट मेजर करने के साथ साथ इसको हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिफ्थ जो है दैट इज वोल्ट मीटर।
वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड। बोलते वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर मेजर करता है वोल्टेज मेजर, एंड ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। फिर सिक्स्थ जो है इसको आप बोलते हो रेजिस्टर, इसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, रेजिस्टर बोला जाता है। सेवन जो है इसको क्या बोलते हो बल्ब, तो बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, बल्ब बोला जाता है। एट जो है तो आप क्रॉस वायर्स बोलते हैं, अभी के सिलेबस के लिए आपको बस इतने ही सिंबल्स जिक्र करने हैं।